Now the latest chapter to be added in that long list of VVIP tantrums and VVIP behavior. Now a Shiv Sena MLA, Hemant Patil, it seems, did not allow a train to leave from the Chhatrapati Shivaji terminus in Mumbai for over an hour because he wanted a better seat. When questioned about why he forced this delay, the MLA showed an old video to justify his move. Maharashtra Vidhan Sabha ka jab satra chalta hai, तो वो सत्र में स्पेशल जो एमएलए लोग हैं उनके लिए कोचेस लगवाए जाते हैं और इसके लिए हम लोग पेमेंट भी देते हैं, रेलवे को बाकायदा इसका पैसा मिलता है। तो इसके बारे में ये जो ट्रेन में असुविधा है उसके बारे में कल ही विधिमंडल के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के दालन में ये बैठक हुई थी, उसमें साउथ सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे के DRM इनको पाचारण किया गया था और उनको जो भी है, जो जैसे चूहे ट्रेन में दौड़ रहे हैं, चूहे खाना खा रहे हैं, शौचालय में पानी नहीं आ रहा है और विशेष जो बेडरोल यूज किए होते हैं जाते टाइम जो यूज़ करते हैं वही बेडरोल दोबारा दिए जाते हैं, तो ये सब असुविधा के लिए हमने सभागृह में औचित्य का एक मुद्दा होता है वो भी किया था। उस उपलक्ष्य में ये बैठक भी हुई, बैठक होते हुए भी आज जो एजेंट लोग रेलवे में जो काम कर रहे हैं, जनरल लोगों को रिजर्वेशन के लिए काफ़ी सारी दिक्कत होती है, लेकिन जब एजेंट्स के पास जाती है तो रिजर्वेशन जल्दी मिलता है उनको, उस टाइप की दिक्कत स्पेशल MLA लोगों के लिए जो कोच लगाया है उसमें भी आ रही है। MLA लोग के लिए जो कोच लगाया था उसमें भी ये दलाल लोगों का, एजेंट लोगों का छिड़काव हुआ है और जो सीनियर MLAs है जिनका एज 65 के ऊपर है वो अपर बर्थ पे, साइड अपर पे महिला जो है कैसे चढ़ेंगे और सीनियर MLA कैसे उसके ऊपर सो सकेंगे, इसके लिए DRM को हमने बुलाना चाहिए और उनको पूछना था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे रेल रोको किया है। मैं जनता की माफ़ी मांगता हूँ कि ये रोल रोको के कारण आपके जो असुविधा हुई है, लेकिन मेरी जो लड़ाई है हमारी खुद के लिए नहीं है, जो पब्लिक है उनके लिए ये लड़ाई है, तो बार बार उनको ये जो तकलीफें सहनी पड़ती है और रेलवे के अधिकारी कुछ ध्यान नहीं देते हैं। एग्जैक्टली कल क्या हुआ था जिस पर से आपको गुस्सा आया और आपने ट्रेन रोकी, एग्जैक्टली क्या हुआ था? चूहा आया था, आप खाना खा रहे थे, क्या हुआ था? मैंने वीडियो क्लिप्स आपको बताइए, जिस तरह का कोच दिया गया है और जो अस्वच्छता है, तो खाली ये लोग मीटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और असुविधा वैसी है, वो असुविधा के कारण हमने कि कोई तो भी जवाबदार जो ऑफिसर है वो आना चाहिए, उसने देखना चाहिए चूहे किस तरह से खाना खा रहे हैं पब्लिक का, शौचालय में पानी नहीं है, बेसिन सब चौकअप हुए हुए है, तो ये सब वीडियो मैंने जारी किए हैं। आप पे जो आरोप मढ़ा जा रहा है कि आपको जो साइड बर्थ मिला था उस वजह से आपको गुस्सा आया और आपने ट्रेन रोकी, उस बारे में क्या कहेंगे? आपको साइड बर्थ मिला था, कौन सा बर्थ मिला? देखो, हम बाला साहब के शिवसैनिक हैं, इसके पहले कोई हम AC डब्बे कोच में घूमते नहीं थे, पेपर डाल के भी नीचे हमने बहुत बार प्रवास किया है, ये लड़ाई हमारे लिए, मुझे तो मिला था लेकिन सूर्यकांता ताई पाटिल जैसी माजी एक्स ग्राम मिनिस्टर, ग्राम विकास मंत्री, उनके जैसे सीनियर मोस्ट लेडी है, जयप्रकाश मुंदड़ा जैसे माजी सहकार मंत्री है, तो ये सीनियर मोस्ट लोगों को अगर साइड और अपर देते हैं, और काफ़ी सारी प्रवासी लोगों ने भी मेरे पास शिकायत दिए कि ये जो बेडरोल यूज किए हुए देते हैं, तो इसके बारे में जवाब पूछने के लिए हमने ये रेल रोको किया है। फॉर्चुनेट है कि और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी भी ऐसे काम से आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आए, और जो बर्थ मिला है उसमें मैं मानता हूँ कि बहुत गलत है, सिस्टम को ही कम से कम जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है।